जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी कल पूरा हुआ है। मित्रों, आज बात करते हैं खराब राहु की निशानी क्या है, लक्षण क्या होते हैं और उसका उपाय क्या है। देखिए, राहु का नाम सुनते ही शरीर में ना एक झुरझुरी सी पैदा हो जाती है। और सोचो कि वही राहु और आपका खराब हो जाए तो आपके साथ क्या हो सकता है, कैसे कैसे उसके लक्षण आपको दिखाई देंगे, कैसे उसको आप पहचानेंगे कि हमारे शुभ लक्षण हैं या ये अशुभ लक्षण हैं। आप कैसे इस चीज़ का निर्धारण करेंगे, कैसे आप समझेंगे, तो ये प्रोग्राम आज इसी के ऊपर है। आइए आपको बताते हैं कि शुभ और अशुभ, बद और अच्छा राहु क्या होता है, खराब और बुरा या खराब और अच्छा राहु क्या होता है। देखिए, आपको आपकी जो दैनिक जिंदगी है, हम लोगों की राहु के कुछ ऐसे लक्षण हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे जो राहु का हमारे जो प्रभाव है वो शुभ है या अशुभ है, कैसा प्रभाव है। आप अगर आज जान लेंगे इस बात को तो आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि राहु आपके आपको अपने जाल में फंसा ले और आप कुछ ना कर पाए और आपके जीवन में परेशानी की एक लंबी लाइन लग जाए। राहु का आज के समय में उपाय संभव है, डरने की ज़रूरत नहीं है। खराब राहु का उपाय और ये राहु के लक्षण आपको आज बता रहे हैं कि राहु आपके लिए क्या क्या कर सकता है। मित्रों, आपका राहु जो महाराज हैं अच्छे लक्षण वाला है तो आप जिंदगी में दिनों दिन आप तरक्की करेंगे। अच्छा और शुभ राहु इसको कहा जाता है। और राहु देव खराब हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बादी वाले रास्ते पर चल पड़ेगी, जा सकती है। बर्बादी रहते अगर आप पहले ही समझ जाएं तो आपके लिए बेहतर है। आपकी भलाई के लिए ये प्रोग्राम आपको हम बना रहे हैं, खराब राहु की पहचान या अच्छे राहु की पहचान कैसे। कलयुग में राहु को एक तरह से तारणहार माना गया है। ये कलयुग जो है राहु का ही माना जाता है कि कलयुग को राहु का है। जैसे कहते हैं ना, जिसको राहु तारे उसका कोई क्या बिगाड़े। ये पक्की बात है कि राहु ने जिसका साथ दे दिया, राहु जिसके साथ खड़ा हो गया, दुनिया में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। शुभ राहु वाला आदमी इतना सशक्त, इतना मजबूत होता है इसको कोई पछाड़ नहीं सकता जल्दी से। राहु उसका कवच बनकर उसके साथ खड़ा होता है। राहु की छत्र छाया हमेशा उसके साथ रहती है। आदमी की सोच बहुत पॉजिटिव और अच्छी हो जाती है। वो अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसकी उसको मनोकामना होती है, जब उसकी इच्छा या जो डिज़ायर होती है उसकी। वह हाई स्टेटस वाला बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, पैसे वाला आदमी बन जाता है। तो राहु जिसका अच्छा होता है उसके लिए सब चीज़ बड़े आराम से, आसानी से उसको मिल जाती है। और खराब राहु के कुछ लक्षण आपको बताते हैं। वीडियो आप ध्यान से देखें, पूरा देखें, कोई भी आपसे चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। देखिए, खराब राहु वाले जो व्यक्ति का जो दिमाग होता है या सोच होती है वो बहुत ज़्यादा रोंग तरीके से एक्टिव हो जाती है, गलत तरीके से एक्टिव हो जाती है। काम करने का मन नहीं करता, आलस शरीर पर भारी हो जाता है, हर समय बिस्तर पर पड़े रहने का उसका मन करता है, पढ़ाई का उसका मन नहीं करता, कहीं जाने आने का उसका मन नहीं करता। उल्टी सोच हो जाती है उसकी, खराब सोच हो जाती है उसकी। ख्याली पुलाव जो कहते हैं ना, पकाना, वो पकाता है। कल्पना में उड़ कर के ख्याली जो ख्याल होते हैं, उसके जो ख्याल हैं वो कल्पना शक्ति के द्वारा उसके सामने आते रहते हैं। ये मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, जुए से पैसे कमाऊँ, सट्टा से पैसे कमाऊँ, लॉटरी से पैसे कमाऊँ, या शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रुपया कमाऊँ, मैं बहुत पैसा कमाऊँ, उससे उसके बारे में ख्याल आते रहते हैं कि पैसे वाला मैं कैसे करूँ, पैसे को मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा, पैसे को मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा, पैसे को मैं वहाँ लगा दूँगा। परंतु उसने काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये उसकी सोच हमेशा खड़ी रहती है। पैसा आ जाए लेकिन काम नहीं करना पड़ा, काम कुछ करना नहीं, खाली पिला पकाना, हर समय दिमाग पर हावी रहते हैं। जीवन में ऐसे लोगों के साथ उथल पुथल शुरू हो जाती है, आप उन पर काबू नहीं पा पाते, आपके वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके राहु के ये लक्षण खराब लक्षण है, और राहु खराब की ये सबसे पहली निशानी आप मान के चलिए। दिमाग संतुलित नहीं है, इधर उधर के ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं, अचानक आपका सिर भारी हो जाता है, विचार ज़्यादा आने लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं ये सब राहु के देन है। राहु ऐसी हालत में आपको डर की तरफ ले जा रहा है, एकांत की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ आप एकांत और आपको अंधेरा अच्छा लगता है, आपको किसी का साथ पसंद नहीं आता, समाज से आप दूर भाग रहे हैं, परिवार से आप दूर भाग रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से आप दूर भाग रहे हैं। ये है राहु का परम लक्षण। राहु एक दूसरे से दूर करने की खराब राहु कोशिश करता है। अगला लक्षण आपको बताते हैं। पहले आप सादा जीवन उच्च विचार वाली आपकी कहावत थी, घर का बढ़िया अच्छा खाना खाया करते थे, परंतु अब राहु खराब होने से आपका रुझान बाहर जो होटलों के खाने हैं, बाहर या रेस्टोरेंट के खाने हैं, उनको खाने को आप पसंद करने लगे हैं। आपका मूड वहीं बाहर खाने के लिए बार बार करता है। आप फास्ट फूड है, चाइनीज़ फूड हैं, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो बाहर डब्बों में आती हैं, या लोग आजकल आज के ज़माने की चीज़ें हैं, आप उनको ज़्यादा खाना पसंद करने जाते हैं। जब आपकी जवान पर स्वाद आपको अपने जाल में फंसाने लगे तो समझ जाइए कि आपका राहु खराब है। अब आप जब बाहर का खाना खाएंगे तो आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर में, और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके लीवर पर इन्फेक्शन होता है, आपके हृदय पर जोर पड़ता है, आपको हार्ट अटैक की शिकायत आती है, आप थोड़ा चलेंगे आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपकी आंतों में फास्ट फूड अंदर जाके सड़ने लगता है, तो आंतों का इन्फेक्शन आपके लिए हो जाता है, एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, आपके गैस एसिडिटी शुरू हो जाती है, और आपका पेट खराब हो जाता है, आपका हाजमा बिगड़ जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और आप सोच भी ठीक तरह से नहीं जाते, बार बार आपको जाना पड़ता है, फिर भी आपका पेट साफ नहीं रहता है। इसका सबसे बड़ा अच्छा उपचार है कि आप बाहर का खाना छोड़ दें, सादा जीवन उच्च विचार, अपने घर का शुद्ध खाना खाएँ, समय पर खाएँ, सही खाएँ, शुद्ध खाएँ, और लिमिट में खाएँ, और आप स्वस्थ रहें। अगला राहु का लक्षण बताते हैं आपको। आप किसी को बिना वजह बदनाम करते हैं, बिना कसूर के, बिना वजह से किसी की आप चुगली करते हैं, आप किसी की झूठी गवाही देते हैं। ये सभी बातें हर किसी की ज़िंदगी में करीब करीब 2-4 बातों से आदमी को होना पड़ता है, सबके साथ ऐसा हो जाता है कि चुगली ज़्यादातर वैसे तो महिलाएं करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाओं के अलावा पुरुष भी चुगली करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि इधर वाले की छवि खराब हो जाती है, जिसकी चुगली आगे की जाती है, और किसी के बनते कार्य को खराब करना, चलते काम में टांग अड़ाना, ये ऐसे होते हैं कि इससे जो राहु है वो आपका खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। आप जितने मर्जी राहु के उपाय कर लीजिए, भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक आप अपना व्यवहार नहीं सुधारेंगे तब तक राहु आपका अच्छा प्रभाव नहीं देगा। या सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी उपाय करने से पहले आपको अपना व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि ऐसा ना हो कि इन्हीं आदतों के चलते राहु आपको बर्बाद ना कर दे। समझने वाली बात है, कई बार झूठी गवाही किसी व्यक्ति का परिवार उजड़ जाता है। आपने कोर्ट में किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, उसको सजा भी हो जाती है। सामाजिक तौर पे किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया और लोगों ने आपको फुसला दिया, आपने उसके खिलाफ समाज के अंदर झूठी गवाही दे दी कि हाँ जी इसी ने ये काम किया है, तो समाज के अंदर जिस आदमी के प्रति आप बात कर रहे हैं उसको बेइज्जत होना पड़ता है, उसको सामाजिक तौर पर लोगों की नज़रों में गिर जाता है ऐसा आदमी। तो ये सबसे बड़ा पाप मानिए, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है। और ख़राब राहु की ये भी निशानी है कि किसी बेकसूर को आपकी वजह से कोई सजा मिले या वो दूसरों की नज़रों से गिरे। अगली राहु की खराब निशानी आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की बात ध्यान से सुनते ही नहीं और मानते भी नहीं, सुनना भी नहीं और बात मानना भी नहीं। ये लोग वही करते हैं जो इनके मन में आता है, मन में जो इनकी धारणा बन जाती है इनके मन में, तो इन्हीं वजहों से ये जीवन में धक्के खाते हैं, बर्बाद भी होते हैं और लाभ जिंदगी से नहीं उठा पाते। अगर आप किसी की बात नहीं सुनते हैं या नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो धैर्य है, आपके जो पेशेंस है, वो सब खत्म हो चुका है, आपके अंदर कमज़ोर हो गया आपका। देखिए, इंसान के अंदर धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जो कोई आपको समझा रहा है उसे आप शांत मन से सुनो, समझो और अपने वक्त को सही करने की कोशिश करें। सामने आपको जो सही सलाह दे रहा है उसे आपको इज्जत देनी चाहिए, उसकी सलाह को समझो। आपके हित की बात है तो उस पर आप अमल करो। कोई भी व्यक्ति आपको अपना समझकर ही सही सलाह देगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि अगर उसकी बात मान लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े व्यापारी, बड़े लोग बाद में यही हमने कहते दिखाई देते हैं, अरे उसकी बात मान लेते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, हमने उसकी बात नहीं मानी। चाहे वो बात करने वाला आपका पिता है, बात करने वाला आपका भाई है, बात करने वाला आपका कोई रिश्तेदार है, आपकी पत्नी है या कोई भी आपका शुभचिंतक है, उस समय आपको उसकी बातों को महत्व नहीं दिया, आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। आपको अपने धैर्य को कायम रखना होगा, पेशेंस को बढ़ाना होगा, सुनने की जो शक्ति है आत्मकेंद्रित करना होगा शक्ति को, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अदरवाइज खराब राहु आपको कहीं का कहीं डेमोलिशन में लेके जाए, खराब करेगा आपकी कोशिश। अगली खराब जो राहु की निशानी होती है वो ये होती है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होना, जो कहीं ना कहीं आपको एक डर के साए में जीने को मजबूर करता है। जो इस आदमी के अंदर अति आत्मविश्वास होता है बहुत ज़्यादा, मैं ही जो कुछ हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ता है। कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा व्यक्ति मन ही मन आपको जो डराती हो, कोई आपकी ऐसी सोच हो आपको जो मन ही मन डराती है, उसका मनोबल तोड़ने का, आत्मविश्वास को तोड़ने का वो सोच काम करती है। ये भी खराब राहु के लक्षण है। अच्छा राहु आपको समझदार बनाता है, पॉजिटिव सोच वाला बनाता है और अपनी ज़िंदगी के जो एक लम्हे होते हैं आदमी के, जैसे खुशी के, खुशहाल बनाता है, तेज तर्रार बनाता है, चुस्त दुरुस्त बनाता है और ऐसा आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे कर जाता है जिसके काम की उसको भी कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कभी काम कर पाऊँ। ये शुभ राहु के, अच्छे राहु के लक्षण होते हैं। जब आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाए जिसको कहते हैं डर, डिप्रेशन या भय, तो आप समझ सकते हैं कि राहु आपका बहुत ही बुरा है। आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी से डर महसूस होता है, आपको कोई भय महसूस होता है किसी से, तो आपका समझे राहु खराब है। जब राहु बुरा होता है तो सबसे पहले वो इंसान की सोच को खराब करता है। वह इंसान मरने मारने के ख्याल उसके दिमाग में आने लग जाते हैं, सुसाइड या आत्महत्या करने के विचार भी उसके दिमाग में बार बार बढ़ते हैं। अगर आपके साथ भी कहीं ये समस्या है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, अपने आप पर आपको उसमें काबू रखना पड़ेगा, नहीं तो राहु आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोग अपने परिवार को छोड़ने की सोच रखते हैं अपने मन में, छोड़ दो परिवार को, पत्नी बच्चों को छोड़ने की उनकी प्रवृत्ति सी बन जाती, छोड़ दो इनको, क्या फ़ायदा है इनसे मुझे। माँ बाप, भाई बहन, सबके प्रति दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं और भैया जब नेगेटिविटी एक बार दिमाग में भर गई तो ये जी का जंजाल बन जाती है। घर से बाहर रहने का बार बार मन करता है, कई बार घर छोड़कर भाग भी जाते हैं इस पोजिशन में। तो 2-4-6 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में जब थोड़ा मन शांत होता है तो फिर वापस आ जाते, धक्के खा के फिर वापस आ जाते हैं। तो ये होते हैं खराब राहु के लक्षण। अब आपको बताते हैं कि राहु के उपाय में आपको क्या करना। देखिए मित्रों, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये धर्म का, आध्यात्मिक का, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि एस्ट्रोलॉजी का चैनल है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। सामने हमारा मोबाइल का नंबर आ रहा है। जो दर्शक हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को शायद करें, उसको ऑन करें। इसके बाद अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो मित्रों को शेयर करें। कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी उसको हल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पे अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए। सामने व्हाट्सएप नंबर है हमारा। अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म का समय भेजिए, आपका नाम भेजिए, जन्मतिथि भेजिए। हमारी ये सेवा फ्री नहीं है, थोड़ा चार्ज लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। चार्ज लेते हैं लेकिन थोड़ा सा लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। आपका स्वागत है। आपको किसी प्रकार का रत्न चाहिए, हमारे संस्थान से संपर्क करें। हर प्रकार के रत्न हमारे यहाँ गारंटी लैब टेस्ट मिलते हैं। अब बताते हैं आपको उपाय क्या करने अगर आपका राहु खराब है। पहला उपाय है कि रात को जब आप बिस्तर पर सोते हैं, अपने बेड पर सोते हैं, उस बेड पर सिरहाने की सरक एक लोटे में आप जल भर के रात को रख लीजिए। जल वो सबसे बड़ी ताकत है जो नेगेटिव ऊर्जा को सोखती है, जो खराब माहौल होता है उसको सोखती है। आपने देखा होगा जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसके मंत्र पढ़ने से सारी चीज़ें जो अपवित्र होती हैं वो पवित्र हो जाती हैं। श्लोक सुना होगा आपने, ओम अपवित्रम पवितो वांग सर्वा वास्तांग गतोपिवा यास्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वभया मंथरी शुचि ओम पुनः पुंडरीकाक्षम पुनः पुंडरीकाक्षम पुनादुः। इसका मतलब ये होता है कि वो जल देवता जो चीज़ वहाँ अशुद्ध होती है सबको शुद्ध कर देता है, नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको सोख लेता है। सुबह उस लोटे वाले जल को आप या तो किसी पौधे में डाल दें या उसको बाहर नाले में बहा दें, नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी। दूसरा उपाय बताते हैं आपको, हर सोमवार को आपने थोड़ा सा दूध लेना है। उस दूध में 4-5 चम्मच दूध, 250-300 ग्राम 4-5 चम्मच काले तिल डालने हैं, थोड़े से चावल और थोड़ी सी चीनी डालने हैं। आप वो दूध मिश्रित जो काले तिल वाला जो दूध है उसको लेके मंदिर जाइए और जहाँ शिवलिंग है भोले बाबा का, मात्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ये आपको हर सोमवार करना है। अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि आपका खर्चा ज़्यादा ना हो और कम खर्चे में आपका काम चल जाए। अपने सिरहाने आप एक लाल रंग की चौकोर स्क्वायर में थैली बनाइए। उस थैली के अंदर थोड़ी सौंफ रखिए, एक उसमें जो रत्न आता है मूंगा, इसको हम कोरल कहते हैं इंग्लिश में, एक वो मूंगा रत्न रखिए 4-5 रत्ती का, और उस थैली को रोजाना अपने सराहने रख के सोइए। आपका जो राहु है वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंगल का प्रभाव ऐसा होता है कि इससे राहु और शनि ये सब दबते हैं। तो वहाँ मंगल आ रहा है आपका, वहाँ स्थापित हो जाएगा तो आपको फिर राहु धीरे धीरे करके छोड़ देगा। माँ सरस्वती का बीज मंत्र या सरस्वती चालीसा का आप जप रोजाना कर सकते हैं। 1 माला 3 माला 5 माला जब करिए उससे भी राहु शांत होता है, क्योंकि तो राहु की देवी सरस्वती है। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा लें और चांदी की चैन में उसको अपने गले में डालें। ये आपको सोमवार के दिन करना है। तो उसको धारण करने से भी राहु शांत होता है। सिर के ऊपर आप ये चोटी रखें, जैसे हम लोग रखते हैं चोटी, आपके सामने सिर पर चोटी रखें गांठ बांध के, तो आपका राहु शांत होता है। महिलाएँ रसोई में बैठ के खाना खाएँ तो उससे राहु शांत होता है।